मैं तारी वंदन योजना के तहत दुर्ग के विवेकानंद सभागार में हुए आयोजन में दुर्ग जिले के लगभग 4 लाख और दुर्ग शहर के करीब 54,000 महिलाओं के खाते में पैसा भेजा गया। वहीं ऑनलाइन के माध्यम से प्रधानमंत्री ने महिलाओं को संबोधित किया। दुर्ग नगर निगम और महिला बाल विकास के द्वारा रविवार को महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित किया गया, जिसे बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने बेसब्री से देश की प्रधानमंत्री के उद्बोधन का इंतजार किया। साथ ही महिलाओं के खातों में पहली किस्त आने का इंतजार किया। और ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग भी दे दी है, ड्रोन दीदी पायलट बन गई। देखिए इससे खेती आधुनिक होगी और बहनों को अतिरिक्त कमाई भी होगी। कल ही दिल्ली से मैं इस योजना का शुभारंभ करने जा रहा और इसलिए आप सबसे आग्रह है कि फिर एक बार जरूर मेरे साथ जुड़िए। मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ और नारी शक्ति है, सम्मान है, गौरव है, अभिमान है। नारी ने ही रचा ये विधान है, हमारा नतमस्तक है और इस नारी को हमारा कोटिशः प्रणाम है। बता दें छत्तीसगढ़ में आज आयोजित महतारी वंदन सम्मेलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना की शुरुआत की, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा योजना के 70,12,800 पात्र हितग्राहियों आवेदकों को 655,57,00,000 रुपये की राशि DBT के माध्यम से बटन दबाकर अंतरित की गई। इस योजना के तहत अब छत्तीसगढ़ में विवाहित माताओं बहनों को प्रतिमाह 1,000 रुपये और प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की राशि मिला करेगी। इस योजना से दुर्ग जिले के 4,05,319 महिला लाभान्वित हुई। अब छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुखिया के मार्गदर्शन और मोदी जी के गारंटी आदरणीय प्रधानमंत्री कि मैं अपने परिवार में कभी भी बात विवाद नहीं कराऊंगा। समाज में बाल विवाह के रूप में व्याप्त बुराइयों का सदैव विरोध करूंगा। इस दौरान दुर्ग के विवेकानंद सभागार में विधायक गजेंद्र यादव के मुख्य अतिथि में जिला स्तरीय महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में दुर्ग सांसद विजय बघेल, संभाग आयुक्त SN राठौर, कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, जिला पंचायत की CEO अश्वनी देवांगन, नगर निगम के महापौर धीरज बाकरीवाल और साथ ही अन्य पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक शामिल रहे। इस दौरान विधायक गजेंद्र यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना को प्रथम सीढ़ी बताई गई है। उन्होंने योजना अंतर्गत जिले के लाभान्वित 4,05,000 पात्र हितग्राहियों को अपनी शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि श्री यादव ने अपने कर कमलों से नए राशन कार्ड और खाद्यान्न कैरी बैग हितग्राहियों को प्रदान किए। सम्मेलन को महापौर धीरज बाकरीवाल ने भी संबोधित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही। महतारी वंदन योजना के तहत आज पूरे छत्तीसगढ़ में 70,00,000 महिलाओं के खाता में हमारे देश के प्रधानमंत्री अंतरण की राशि दी से और आज ये अवसर पे पूरा प्रदेश में सब जिला मुख्यालय, प्रमुख ब्लॉक मुख्यालय में आज ये कार्यक्रम हुआ थे। माननीय विष्णु साय जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ एक मोदी गारंटी के और वादा आज पूरा करें। दुर्ग जिला के हमारों के 4,00,000 महिलाओं के खाता में, दुर्ग शहर के 54,000 महिलाओं के खाता में आज ये 1,000 रुपये महीना की राशि आया है। वो सब महिलाओं ला मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कहीं ना कहीं महिलाएं अभी भ्रमित हो रही है, मैसेज नहीं आ रहे मोबाइल में, ऐसा बता रहे। अरे भाई डिजिटल क्रांति के युग है, ये मोदी जी ने ही जो लागू किया आज उसका लाभ है। एक बटन में काशी के विश्वनाथ के बाबा के दरबार से एक बटन दबाए और छत्तीसगढ़ के 70,00,000 महिलाओं के खाता में आया। डिजिटल क्रांति का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। सबके खाते में पैसा आएगा। अब कहीं कहीं 70,00,000 लोग मैसेज आएगा तो हो सकता है नेटवर्किंग प्रॉब्लम आगे पीछे होगा तो आएगा। दुर्ग जिले में लगभग 4,05,205 महिलाओं ने आवेदन जमा किए हुए थे और आज 4,04,556 महिलाओं का आवेदन फाइनल रूप से सत्यापित हुआ, सही पाया गया और उनमें से DBT के माध्यम से उनको राशि अंतरित की कार्यवाही शासन स्तर से हो रही है, प्रक्रिया में है, पहुंच चुकी होगी और अधिकतर लोगों से अभी बात करेंगे तो समझ में आएगा कितने लोगों के खाते में आ गया है, पर उनके खाते में पहुँच चुकी होगी।
कार्यक्रम के समापन के बाद मीडिया के समक्ष आई महिलाओं ने फोन पर मैसेज आने और खाते में राशि आने की बात पूछी तो वहीं अधिकांश महिलाओं ने कुछ इस तरह का जवाब मिला जुला दिया। अभी तक तो हमारे खाते में पैसा नहीं आया है। हम लोग को ये लगा कि अभी आ जाएगा तुरंत करके, हम लोग सब मोबाइल लेकर बैठे हुए थे, पर आया नहीं पैसा। हो सकता है शाम तक आए पैसा। योजना तो बहुत अच्छी है। आया है मैसेज जब नहीं आया है खाते में, आएगा करके बोले हैं मोदी जी, अपने भाषण में दिए हैं, बोले कि मतलब पैसा आ जाएगा ऐसा करके, अभी आया नहीं है मैसेज में, अभी ये शाम तक आ जाएगा करके बोले हैं। ये योजना बहुत ही अच्छी है ताकि महिलाओं की मतलब भविष्य के और मतलब उनको खर्चा करने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए ये सब दिया जा रहा है। उनके उनका अपना अधिकार मतलब और कैसे अपना यूज़ कर सकते हैं पैसा को, ऐसे इसीलिए अपने बच्चों के लिए और अपने लिए खर्च करेंगे और अपने बच्चों के लिए। अभी मैसेज ही नहीं आया है। कितने बजे तक आएगा बोलो? पता नहीं कितने बजे तक आया, कुछ कह नहीं सकते कि मैसेज कब तक आएगा। आना तो चाहिए कि सरकार इतना भरोसा दिला रही है, पैसे आने चाहिए, मैसेज आना चाहिए। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।